नमस्ते एंड वेलकम टू नो हाउ। आज जो रूट वर्ड और उससे बनने वाले वर्ड्स हमारे माइंड वाले डिक्शनरी में ऐड होने वाले हैं वो है एक्वा और एक्वे, विच मीन्स वाटर। अब इससे बनने वाले वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। फर्स्ट वर्ड है एक्वेटिक, हिंदी में कहेंगे जलीय। इसका मतलब है कुछ भी जो पानी से रिलेटेड हो, जो रहता हो पानी में या होता हो पानी में, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू वाटर। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स, जो जीव पानी में रहते हैं। नेक्स्ट इज एक्वेरियम। ये आई एम श्योर मोस्टली सभी ने देखा होगा, रियल में ना सही तो टीवी में तो देखा ही होगा। एक्वा मीन्स वाटर और एरियम यूज़ होता है जगह के लिए। तो एक्वेरियम मीन्स अ टैंक और अ प्लेस फिल्ड विद वाटर फॉर कीपिंग एक्वेटिक एनिमल्स। थर्ड इज एक्वेरिस्ट। जो एक्वेरियम रखते हैं उन्हें कहते हैं एक्वेरिस्ट। प्रोफेशनली या एज अ हॉबी, कैसे भी वो एक्वेटिक एनिमल्स का एक्वेरियम में ध्यान रखें। नेक्स्ट इज एक्वा कल्चर। एक्वा पानी और कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। जैसे एग्रीकल्चर मीन्स कल्टिवेटिंग द ग्राउंड, वैसे ही एक्वा कल्चर होगा कल्टिवेशन ऑफ वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट देखो एक्वानॉट। अब जैसे एस्ट्रोनॉट होता है जो अंतरिक्ष की यात्रा करे, वैसे ही एक्वानॉट होगा वो इंसान जो अंडर वाटर रहकर काम करे। फिर देखो नेक्स्ट है एक्वामरीन। एक्वा पानी के लिए और मरीन सी के लिए यूज़ होता है। तो एक्वामरीन उस कलर का नाम है जो ग्रीनिश ब्लू होता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है एक्वाटिंट। इट मीन्स ऐसा पेंट किया हुआ जो लगे जैसे वाटर कलर से किया है, बट वाटर कलर यूज़ नहीं होते। ये कुछ अलग ही टेक्निक होती है जिसमें नाइट्रिक एसिड, कॉपर प्लेट और भी कुछ चीज़ों का ये यूज़ करके ऐसी शेड तैयार करते हैं। फिर है एक्वाडक्ट। डक्ट होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो लिक्विड या गैस कैरी करे, एक रूट प्रोवाइड करे, लीड करे जहाँ भी हम उस लिक्विड या गैस को ले जाना चाहते हों। तो एक्वाडक्ट होगा वो स्ट्रक्चर जो पानी को कैरी करे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूएस। इट मीन्स समथिंग विच कंटेन्स वाटर, कुछ भी जिसमें पानी हो। फॉर एग्जाम्पल अपनी आँखों में जो ये ट्रांसपेरेंट वाटर लाइक फ्लूइड है इसको कहते हैं एक्वियस ह्यूमर। नेक्स्ट वर्ड इज टेरेक्यूस। नाउ टेरा इज यूज फॉर लैंड, अर्थ। तो टेरेक्यूस मीन्स समथिंग विच हैज़ वाटर, समथिंग विच इज़ कम्पोज ऑफ बोथ लैंड एंड वाटर। जैसे अपनी पृथ्वी पानी और लैंड दोनों ही चीज़ों से बनी है। अब नेक्स्ट वर्ड है एक्वा विटे। एक्वा पानी के लिए और विटे लाइफ के लिए यूज़ होता है। तो एक्वा विटे ऐसा पानी जो लाइफ या जिंदगी दे दे। और ये टर्म यूज़ करते थे रोमन्स अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए। उनका मानना था कि ये वो पानी है जो इंसान में नई जिंदगी या जान डाल देता है। नेक्स्ट वर्ड देखो एक्वाफेयर। ये होता है एक पत्थर का बड़ा सा स्ट्रक्चर जो अपने में अंडरग्राउंड वाटर को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट इज एक्वालंग। ये इमेज देखो, ये होता है एक्वालंग। कोई इंसान किसी भी वजह से लंबे टाइम तक पानी में रहे तो जो लंग्स उसकी सांस लेने में हेल्प करते हैं उन्हीं को कहते हैं एक्वालंग। अब एक्वा या एक्वे से रिलेटेड वर्ड्स की आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी कि घूम फिर के तोड़ मोड़ के जैसा भी कोई वर्ड बनेगा तो आप समझ पाओगे कि किस तरीके से उसे पानी से रिलेट करना है। मिलते हैं कल। टेक केयर, स्टडी वेल एंड शाउट टू द फैमिली ऑफ नो हाउ।